गाइस एंड वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगी कि चेहरे को गोरा कैसे कर सकते हैं और कौन से नेचुरल होम रेमेडी है जिससे कि हम अपने चेहरे का स्किन टोन 1 से 2-3 शेड लाइटन कर सकते हैं, चेहरे को गोरा निखरा और बेदाग बना सकते हैं। फ्रेंड चाहे हम सुबह कुछ भी लगाएं कुछ ना लगाएं, बट रात को एक प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की होम रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इजी है, इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। आपको पता है मैं हमेशा नेचुरल चीज़ें ही बताती हूँ। तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि चेहरे को गोरा करने के कौन से घरेलू उपाय हैं, नुस्खे हैं, तरीके हैं या गोरा होने के कौन से उपाय हैं। तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको चाहिए होगा रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध हम आधा कटोरी लेंगे और हमें चाहिए होगा हाफ लेमन जूस। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप इसकी जगह टमाटर का रस या संतरे का रस भी डाल सकते हैं। तो हम हाफ लेमन जूस इस कच्चे दूध में डाल देंगे और दूध में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लेमन जूस को और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड मैंने ऐसे ही रखा था, आप देख सकते हैं जो कच्चा दूध है ये फट चुका है और ये इसमें लैक्टिक एसिड की जो क्वांटिटी है और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और अब हम इसमें डालेंगे जस्ट अ पिंच कस्तूरी हल्दी। तो फ्रेंड आपको ये रेमेडी रात को सोने से पहले लगानी है। आपके चेहरे पे जितने भी काले दाग धब्बे होते हैं, गंदगी होती है, मेकअप होता है, ये अपने फेस के डीप क्लीनिंग करती है क्योंकि मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो कि चेहरे को गोरा निखरा और बेदाग बनाता है और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाता है और साथ ही साथ चेहरे की डीप क्लीनिंग करता है, चेहरे की सफाई करता है डीपली। तो फ्रेंड ये कॉटन बॉल से लगाएंगे, आप चाहे तो हाथ से भी इसे लगा सकते हैं और इसे ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद मैं इसमें दोबारा लगा रही हूँ क्योंकि मिल्क हमारी स्किन जो है पीती रहेगी, एब्जॉर्ब करती रहेगी क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है। ये चेहरे को मॉइस्चराइज भी करता है, गोरा भी बनाता है। आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, आपको इस मिल्क को अपनी स्किन पे पिलाना है, खिलाना है और आप देखेंगे कि मिल्क आपकी स्किन अब्सॉर्ब करती रहेगी। तो आपको 2 से 3 लेयर तो ज़रूर ही लगानी है। तो ये मैं 3rd लेयर लगा रही हूँ, सेम आपको लगाना है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और सुबह आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर दें, या मैंने बेसन फेस वॉश बताया था वो भी यूज़ कर सकते हैं। या 3rd लेयर लगाने के बाद स्किन जब आपकी अब्सॉर्ब कर लेगी ये मिल्क तो फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर दें। तो फ्रेंड मैंने ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लिया है। यू कैन सी द इंस्टेंट ग्लो ऑन माय फेस क्योंकि हमारे चेहरे की ये डीप क्लीनिंग करता है और साथ ही साथ चेहरे को मॉइस्चराइज भी करता है। सो फ्रेंड आई होप मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी कि रात में ऐसा क्या करें जिससे कि सुबह तक आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा निखरा और बेदाग हो जाए। फ्रेंड दूध में होता है, स्पेशली कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि चेहरे को गोरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम इसमें हाफ लेमन जूस डाल देंगे, हाफ कप ऑफ कटोरी रॉ मिल्क में, तो वो जो छेना तैयार होता है, जो दूध फट जाता है, तो उसमें और भी ज़्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है जो कि चेहरे को गोरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और फ्रेंड दूध में भी विटामिन सी होता है जो कि हमारे चेहरे को गोरा करने के लिए और साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स हैं उसे भी दूर करता है। अगर बहुत सारे लोगों को लेमन सूट नहीं करता तो आप इंस्टेड ऑफ लेमन जूस आप इसमें ऑरेंज जूस या टमाटर का रस भी डाल सकते हैं, वो भी उतना ही अच्छा काम करेगा। और फ्रेंड हमने इसमें डाला था जस्ट अ पिंच 1 चुटकी वाइल्ड टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी। फ्रेंड कस्तूरी हल्दी चेहरे को पीला नहीं करती है और स्पेशली उपटन्स में, ब्राइडल उपटन्स में या बहुत सारी ब्यूटी ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ये हमारे चेहरे को गोरा करती है, साथ ही साथ एक इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है और डार्क स्पॉट्स यानी कि काले दाग धब्बों को भी ये हल्का करती है और ये बिल्कुल भी चेहरे को पीला नहीं करती। आप रात को सोने से पहले आप इसको अपने फेस पे लगाएं, आपको ये जो दूध है अपनी स्किन पे पिलाना है एक तरीके से। मैंने इसकी 3 लेयर लगाई थी, आप चाहे तो इसकी 4th लेयर भी लगा सकते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे जो स्किन है आपकी ये मिल्क पीती रहेगी और डीपली पेनिट्रेट होगी और चेहरे को बिल्कुल क्लीन कर देगी। जो भी डर्ट होती है, गंदगी होती है, आप बाहर से बहुत महंगे महंगे क्लेंजर खरीदते होंगे पर ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है। तो आप इस रेमेडी को 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और आप फिर इसको दोबारा बना सकते हैं। फिर आपको दूध को अपने स्किन पे पिलाना है, 2 से 3 आपको लेयर लगानी है, आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप अच्छे से मसाज करें, उसके बाद आप अपना पानी जो वो था फेस आप नॉर्मल पानी से वॉश कर दें। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप उसको जब भी सूख जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर दें।
सो फ्रेंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो आपको पता तो है क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू वॉचिंग माई वीडियोज फर्स्ट टाइम एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं. तो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई होम रेमेडी, नए DIY से नई किसी स्किन केयर रूटीन के साथ. टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल. बाय बाय.